दोस्तों, आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, एमएलएम ज्वाइन किया है या फिर डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है, तो आज मैं आपको 6 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो ज्वाइन करने के बाद ही आपको करनी चाहिए। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया है तो ये जो मैं आज जो 6 पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, इसको उसको करना ही चाहिए ताकि बिजनेस को ग्रोथ मिल सके। अगर ये 6 पॉइंट मैं जो बताऊंगा आज, ये अगर जो बंदा ज्वाइन करने के बाद नहीं करता इंडस्ट्री में, तो वो कभी भी बिजनेस को सीख भी नहीं पाएगा, बिजनेस को ग्रोथ कर नहीं पाएगा। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है इंडिया में जो नए नए पैदा हुई है, लेकिन वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग दे नहीं पा रही है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे आगे बढ़ाना है उन लोगों को पता ही नहीं है, उन लोगों के पास वो सिस्टम नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ज्वाइन होते ही अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहला स्टेप जो सीढ़ी जिसे बोलते हैं, सबसे पहला सीढ़ी वो क्या है जो आपको उसको सिखाना चाहिए। अगर आपने किसी को ज्वाइन करवाया है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे, उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हमेशा, तो ये वीडियो उसके लिए 100% फायदेमंद है। आपने अगर ज्वाइन किया है, आपने अगर यहाँ पर जो मैं बताऊंगा जो बातें वो अगर आपने नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको वीडियो को पूरा देखिए, देखने के बाद इसमें जो बताया है उसको सबसे पहले अप्लाई कीजिए, यही सीढ़ी है बोल रहा हूँ। अगर आपको आगे जाना है तो सीढ़ी, पहली जो सीढ़ी है उस पर पैर रखना होगा, वो पहली सीढ़ी आज मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सबको याद दिला दूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा जो बुक नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाया धूम नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लाखों लोग उसको खरीद कर पढ़ रहे हैं, अपने टीम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने टीम के हर एक बंदे को उसको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी बंदा पढ़ रहा है उसको बिजनेस में ग्रोथ 100% मिल रहा है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लाइफ टाइम मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, अमीर बनने की सोच को अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, या अगर अपने किसी टीम के मेंबर को अगर आप ऐसा करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको 100% सलाह दूंगा कि आप मेरा जो बुक आप अमीर बनना चाहते हैं उसको एक बार जरूर 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 पढ़े, उसको रिव्यू को देखिए यार, एकदम जबरदस्त तरीके से उसको मैंने 2 साल लगा दिया उसको लिखने के लिए। वहां पर एकदम रिसर्च किया हुआ बातें वहां पर मैंने बताया है जो आपके जिंदगी को 100% परिवर्तन कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस ट्रेनर, आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को हम अब आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जब कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब ज्वाइन करता है तो सबसे पहला स्टेप वो होता है लिस्ट बिल्डिंग। जी हाँ, लिस्ट बिल्डिंग। अभी ये लिस्ट बिल्डिंग क्यों जरूरी है और क्या क्या करना है। लिस्ट बिल्डिंग दो तरह का लिस्ट होता है। पहला लिस्ट होता है ड्रीम लिस्ट। जी हाँ, ड्रीम लिस्ट। क्यों आपने इस बिजनेस में ज्वाइन किया, पहले वो वाई फाइंड आउट कीजिए। आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं, अब इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, अब इस बिजनेस से अपने ड्रीम्स कौन कौन सी पूरा करना चाहते हैं, वो आप लिखिए सबसे पहले। जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे, जब तक आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इसको नहीं लिखेगा, तब तक उसका बिजनेस ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले वाई को फाइंड आउट करें, वाई यू वांट टू डू द बिजनेस, आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं। या फिर आप अगर किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उससे पूछिए, तुम क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हो, तुम इस बिजनेस से क्या चाहते हो, सबसे पहले वो फाइंड आउट करें। ड्रीम लिस्ट बनाइए, उसका ड्रीम क्या क्या है, वो उसके सपने क्या क्या है, उसका लिस्ट बना के उसको बोलिए, उसके घर के दीवार में उसको लगा दे और हर रोज उसको 2-3 बार जरूर देखे, ताकि उसको वहां से मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन से वो आगे बिजनेस को करने के लिए दौड़े, ताकि उस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसको पैसे चाहिए। पैसे अगर कमाना है तो उसको ये बिजनेस करना ही होगा, आपको वो बताना है। नंबर 2 इसमें आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जी हाँ, लिस्ट में आपको सेकंड में आता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। आप किसको किसको ये इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, आपके जितने सारे रिश्तेदार हैं, जितने सारे दोस्त हैं, आप अनजान लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल मेट्स हैं, आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके कंपनी के जो कलीग्स हैं, आप अगर किसी स्कूल में टीचर हैं तो आपके जो कलीग्स हैं उन सबको करिए, आप जिनको जिनको पहचानते हैं, जितने भी ज़्यादा प्रोफेशनल्स को पहचानते हैं उन सबको करिए, दुकानदार को पहचानते हैं उसको करिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को पहचानते हैं उसको करिए, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, जितने भी सारे लोगों को आप जानते हैं
जिन लोगों को पैसे की जरूरत हो सकती है आपको लगता है, उन सबका एक लिस्ट बनाइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट लिस्ट जिसे आप इस बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हो। नंबर टू है लर्न द प्लान। अभी नंबर टू में लर्न द प्लान क्यों है, क्योंकि अगर आप बिजनेस प्लान को नहीं सीखेंगे तो आप बिजनेस प्लान को दूसरों को भी नहीं दिखा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने अपलाइन से बिजनेस प्लान को अच्छी तरीके से सीखना है। आपके कंपनी का जो प्लान है वो कैसा है, किस सिस्टम में वो वर्क करता है, कैसे वो आपको इनकम देता है। अपने अपलाइन पर डिपेंड मत रहिए, आप प्लान को पूरा सीखिए। अगर आप चाहते हैं प्लान को बेहतर ढंग से सीखना, तो मैंने प्लान को 4 पार्ट में एकदम दिया हुआ है, एकदम आसान भाषा में। मैंने वहां पर मेरे YouTube चैनल में अवेलेबल है 4 पार्ट में, 1, 2, 3, 4 बोल के 4 पार्ट में दिया हुआ है। शो द प्लान आप टाइप करिए यूट्यूब पे, के सिन्हा प्लान शो बोल के, आपको झट से आपको पूरा 4 प्लान आपके आ जाएंगे। आप वहां पर आराम से देखिए, देख के वहां से सीखिए। 10-10 मिनट करके है वो वीडियो, अगर आप देखते हैं तो आपके ब्रेन में पूरा बैठ जाएगा। आप जब ज्वाइन करते हो तो झट से उसको सीख डालिए पहले। तीसरा पॉइंट नंबर 3 पर है कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। जी हाँ, आपने जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया है, अभी पहला काम आपने क्या किया, ड्रीम लिस्ट बनाया, उसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपने बनाया। अभी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को आपको कॉल करने से पहले आपको प्लान के बारे में जानना जरूरी है ना, प्लान आपने सीख डाला। सीखने के बाद आपको करना क्या है, आपने जितना भी लिस्ट बनाया है उन सबको आपको कॉन्टैक्ट करना है, उन सबको आपको इन्वाइट करना है। हाउ टू इन्वाइट पीपल, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में आराम से आपको मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। आप देखिए इनवाइटिंग के ऊपर, तरह तरह के इनवाइटिंग के ऊपर, तरह तरह के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, प्रोस्पेक्ट जो सवाल करता है उसका जवाब कैसा दे, इन सब के ऊपर मैंने 7-8 वीडियो मैंने दिया हुआ है। आराम से आप यूट्यूब पे अपने मोबाइल पे बैठ कर देख सकते हैं। बस आप ये टाइप करिए के सिन्हा प्रोस्पेक्टिंग वीडियो, आपको झट से सब कुछ आ जाएगा। अभी कॉन्टेक्टिंग और इनवाइटिंग के टाइम मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आप अपने अपलाइन की मदद जरूर ले, क्योंकि अपलाइन ने पहले कॉन्टेक्टिंग किया है, पहले इनवाइटिंग किया है, तो उनको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा, उनको एक्सपीरियंस है पहले से ही, तो आपको वो पहले बता सकते हैं कि आपको किस ढंग से बात करना है। वो जब सामने हो तो उनके सामने ही आप लोगों से फोन पे बात करिए, उन लोगों को इनवाइट करिए। देखिए मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, जब आप इनवाइटिंग करते हैं, कॉन्टेक्टिंग करते हैं, तो आप बिजनेस के बारे में बड़ा चढ़ा कर कुछ मत बोलिए, बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेल्स में फोन पे मत बोलिए। बस आपको करना क्या है, बस अपने प्रोस्पेक्ट से आधा घंटा टाइम लेना है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में दिया हुआ है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, कैसे इनवाइटिंग करें, इन सबको मैं डिटेल्स में दिया है, मैंने वो वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। अभी नंबर फोर में आता है शो द प्लान। अभी आपने मान लेते हैं आपने जो कॉन्टेक्टिंग करने के लिए आपने जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाया है, ये एक और बात मैं बीच में भूल गया कि आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट को मिनिमम आपका 150 लिस्ट होना चाहिए, 150 नंबर होना चाहिए। आप याद करिए, अभी आप कैसे याद करेंगे, आपके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर 500 लोगों की लिस्ट आप बना लेते हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव ये वो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सबका लिस्ट बनाइए, कम से कम 100 से 150 लोग होने चाहिए, उन सबको कॉन्टैक्ट करिए। जब आप 150 लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको 30 से 40 लोग आपको हाँ बोलेंगे अपने प्लान देखने के लिए, आपके साथ मिलने के लिए। उन सबको आप अभी क्या करिए, शो द प्लान शो करिए। मैं फिर से यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप प्लान शो करने के लिए जाए तो आप हमेशा अपने अपलाइन की मदद जरूर ले, ताकि आप जो है आराम से सही तरीके से आप कर सके। अगर पहले पहले आप प्लान शो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके साथ आए और आपके प्रोस्पेक्ट को वो प्लान दिखाए, आपका अपलाइन वो हमेशा मदद करेगा। अगर आप अपलाइन हैं तो आप हमेशा अपने जो डाउनलाइन के जो नए जो ज्वाइनीज हैं उन सबको आप हमेशा पहले पहले प्लान दिखाने में मदद करिए, और मेरे जो प्लान शो के जो वीडियोज हैं उन सबको जल्दी से शेयर करिए, ताकि वो लोग उसको देख सके और सीख सके, आपका बर्डन कम हो सके। अभी पांचवा पॉइंट है आपका फॉलो अप करना है। आपने प्लान तो दिखा दिया, अभी प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप प्लान शो करते हैं तो फॉलो अप करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोस्पेक्ट को थोड़ा बहुत आप टूल्स दे दीजिए, जैसे कि अपने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, ब्रोजर्स,
आप जो है अपने व्हाट्सएप पे वीडियोस भी आप भेज सकते हैं, लेकिन ज्यादा अननेसेसरी चीजें मत भेजिए क्योंकि लोगों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। शॉर्ट में कुछ अगर हो, एक वीडियो दो वीडियो ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन दो इन्फॉर्मेशन ठीक है, उससे ज्यादा आप कचरा मत भेजिए, उसके दिमाग में कचरा घुस जाएगा। तो आप एकदम सिंपल तरीके से उसको ऐसा ना लगे कि वो प्रेशर में हो जाएगा, उसको आराम से एक या दो वीडियो भेजिए। भेजने के बाद कुछ अगर एक लिफलेट भेजना चाहते भेज सकते हैं, एक ब्रोशर भेजना चाहते भेज सकते हैं, ठीक है। तो फॉलोअप करने के टाइम अपने जो अपलाइन है उनको आप लेके जाइए अपने प्रोस्पेक्ट के पास, ताकि आपके अपलाइन सही ढंग से सही तरीके से जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उन सबके सवाल दे सके और प्रोस्पेक्ट को हाँ बुलवा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। लास्ट में क्या होगा, जब आपका प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाएगा, हाँ बोल देगा प्लान देखने के बाद, तो आपको क्या करना है उसके साथ स्टार्ट करना है। स्टार्ट विथ योर प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करिए। ये जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तभी ये जो वीडियो है आप उसको दिखाइए कि आपको सबसे पहले ये करना है, अभी आप अपलाइन बन गए हैं। तो दोस्तों ये जो आज मैंने जो बताया है सबसे पहली सीढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग का, ये आप हमेशा याद रखें, अपने टीम को दीजिए। आपने अगर इन सब में से कुछ मिस किया है तो उसको जरूर अप्लाई करें अपने बिजनेस में, ताकि बिजनेस में आसानी से ग्रोथ आ सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर ठोके। नए हैं इस चैनल में, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग लेना तो आप मेरा जो कोर्स ऑनलाइन में होता है 2 महीने का लीडरशिप एज, उसको आप कर सकते हैं। मैं आपको 2 महीने गाइड करूंगा अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अभी तक मेरा जो दोनों बुक अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं अपने कंपनी में मुझसे ट्रेनिंग करवाना तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप सब आगे बढ़े, तरक्की करें, उन्नति करें, और दुआ में मुझे हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्कार एंड बाय बाय।